शीर्षों की कोटियों को मिला के पूरे ग्राफ की कोटी कितनी हो गई आपके पास 12 कोटी। अब देखो 12 कोटी है, अगर अपन बात करें कि इनकी कोर तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो इस ग्राफ में आपके पास है 6 कोर है और उसमें उपस्थित कोटियों की संख्या कितनी है 12 है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी ग्राफ में उपस्थित कोटियों की संख्या जो है वो उसमें उपस्थित कोरों की क्या होती है, दूनी। किसी ग्राफ में उपस्थित कोरों की दूनी होती है उस ग्राफ में उपस्थित कोटियां। तो ये था हर ग्राफ में उपस्थित कोटियां। उसके बाद अपन बात करते हैं दिस्ट ग्राफ। ये सब था अपने सिंपल ग्राफ के लिए, उसके बाद बात आती है दिस्ट ग्राफ के लिए। तो देखो दिस्ट ग्राफ क्या होता है, ग्राफ था दिस्ट ग्राफ किसे कहेंगे, यानी कि डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ दिस्ट ग्राफ। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी आदि शीर्ष की, तो आदि शीर्ष क्या हो जाएगा, दिस्ट ग्राफ में आदि शीर्ष क्या हो जाएगा, यानी कि वो शीर्ष जिसमें कोर क्या हो निकल रही हो, जिससे कोर की डायरेक्शन क्या हो, यानी कि ईवन जिस, यानी कि वो शीर्ष जिसमें कोर क्या हो, जिससे कोर क्या हो निकल रही हो वो कहलाता है आदि शीर्ष, और जिसके अंदर कोर जिसकी दिशा क्या हो कोर की शीर्ष की तरफ हो क्या कराएगा अंत शीर्ष, यानी कि वो आदि शीर्ष हो जाएगा जहां से क्या हो कोर स्टार्ट हो गई वो तो क्या कहलाता है तुम्हारा आदि शीर्ष, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा जहां पे कोर क्या हो एंड हो गई खत्म हो गई वो क्या कहलाएगा तुम्हारा एंडिंग पॉइंट। देखो आपके पास यहाँ पे है V1 और V2, अब डायरेक्शन क्या है, अब देखो V1 से स्टार्ट होकर कहां जा रही है ये कोर V2 की तरफ जा रही है, तो यह V1 इसके लिए क्या हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट और V2 इसका क्या हो जाएगा एंडिंग पॉइंट, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी यानी कि आधे से शीर्ष क्या होता है उसका अंत शीर्ष, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होती है वो तो उसका कहता है आधे शीर्ष, और जहाँ पे खत्म होती है वो कहता है उसका अंत शीर्ष, यानी किसी कोर का स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका आधे शीर्ष और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका अंत शीर्ष। अब अपन इसमें बात करें ग्राफ में कोर की, तो यानी कि ये हो जाएगी आधे शीर्ष जो हम उसको ड्रॉ करते हैं डिग्री ऑफ पॉजिटिव, और अंतर शीर्ष को डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ नेगेटिव, डिग्री ऑफ नेगेटिव। तो आपके पास जैसे कोई भी दिस्ट ग्राफ ले लो यहाँ पे V1 V2 V3 V4, ये डायरेक्शन दिस्ट कोर हो गई आपके पास V5, ये कोर E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7, ये E8, ये E9। ये कौन सा ग्राफ दे दिया आपको, हम भी बताना है इस ग्राफ
कि अब तक नहीं अगर आपकी कोटी या तो देखो इसमें अपन सबसे पहले चेक करेंगे डिग्री ऑफ पॉजिटिव और फिर डिग्री ऑफ नेगेटिव. तो देखो डिग्री ऑफ पॉजिटिव क्या होता है यानी कि उसका आधी से उसका जो स्टार्टिंग पर देखो डिग्री ऑफ पॉजिटिव किसकी देखेंगे बी वन की. तो डिग्री ऑफ पॉजिटिव बी वन की वन टू दो है उसके. देखो इन कोणों का डायरेक्शन क्या है ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है ये इसका एंडिंग पॉइंट है. इसलिए देखो वन और टू तो डिग्री ऑफ बी वन की भी पॉजिटिव कितनी है दो है. इसके हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉजिटिव बी टू की ये आपका बी टू. तो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कितनी इसकी सिर्फ और सिर्फ वन है. डिग्री ऑफ पॉजिटिव कितनी होगी इसकी वन हो गई. अब देख रहे हैं हम डिग्री ऑफ पॉजिटिव इसकी बी थ्री. तो डिग्री ऑफ पॉजिटिव बी थ्री ये आपके पास देखो वन क्योंकि तीन डायरेक्शन इधर है वन टू. तो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कितनी होगी इसकी दो. इसके बाद देखो डिग्री ऑफ पॉजिटिव इसकी बी फोर. डिग्री ऑफ पॉजिटिव बी फोर इसको आपके पास बी फोर है ये वन टू. तो बी फोर की कितनी होगी डिग्री ऑफ पॉजिटिव कितनी आपके पास बी फोर की डिग्री ऑफ पॉजिटिव कितनी है टू है. अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉजिटिव किसकी वी फाइव. तो वी फाइव की डिग्री ऑफ पॉजिटिव कितनी आ जाएगी आपके पास देखो एक तो इधर और एक इधर यानी कि इसकी डिग्री ऑफ पॉजिटिव कितनी है सिर्फ और सिर्फ वन. तो ये तो हमने क्या डिग्री ऑफ पॉजिटिव. अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ नेगेटिव. तो डिग्री ऑफ नेगेटिव वी वन कितनी हो जाएगी ये आपका वी वन. अब देखो डिग्री ऑफ नेगेटिव एक तो ये और एक ये. तो डिग्री ऑफ नेगेटिव कितनी है इसकी दो. अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ नेगेटिव बी टू. तो डिग्री ऑफ नेगेटिव बी टू तो डिग्री ऑफ नेगेटिव बी टू कितना है ये आपका बी टू है. देखो ये इसके लिए नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी. तो डिग्री ऑफ नेगेटिव कितनी होगी यहाँ पे टू हो गई. अब अपन देखते हैं डिग्री ऑफ नेगेटिव किसके लिए डिग्री ऑफ नेगेटिव देखते हैं बी थ्री के लिए. तो देखो ये रहा वर्टेक्स बी थ्री वर्टेक्स ये रहा इसमें देखो नेगेटिव आपके पास एक नेगेटिव दे रखी क्योंकि डायरेक्शन देखो ये किसका E4 फोर के लिए थ्री क्या है यहाँ पे एंडिंग पॉइंट. डिग्री ऑफ बी थ्री की नेगेटिव कितनी होगी वन फोर. अब हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ नेगेटिव किसकी बी फोर की. तो यहाँ डिग्री ऑफ नेगेटिव बी फोर कितना है आपके पास ये आपका बी फोर. अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वन एक ही फोर है तो क्या रहेगा वन. डिग्री ऑफ नेगेटिव बी फोर कितना है आपके पास वन है. अब हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ नेगेटिव बी फाइव ये आपका बी फाइव. तो एक तो लूप की हो जाएगी काउंट दूसरी एक ये रही तो यानी कि डिग्री ऑफ बी फाइव की नेगेटिव कितनी है दो है. टोटल कितनी होगी आपके पास यहाँ पे दो चार छः आठ. आठ कितनी होगी डिग्री ऑफ नेगेटिव इनको वन करो तो दो चार छः वेट कर करके तो वन ओके बी फोर दो चार छः सात अगर ये रहा ना आठ हो गया. तो डिग्री ऑफ कितना है वन. तो डिग्री ऑफ पॉजिटिव भी कितनी है आपके पास एक और डिग्री ऑफ नेगेटिव भी कितनी है आपके पास आठ. तो हमेशा ध्यान रखना डिग्री ऑफ जितनी डिग्री ऑफ पॉजिटिव होगी आपके पास उतनी क्या मिलेगी डिग्री ऑफ नेगेटिव. अब देखो आठ इधर और आठ क्या है डिग्री ऑफ पॉजिटिव और ये डिग्री में आपके पास डिग्री ऑफ नेगेटिव यानी कि टोटल हो गई कितनी तब अपन मिलते हैं क्या पे फोर मिलते हैं. तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट. तो यहाँ आपके पास कोरों की संख्या कितनी है आठ और डिग्रियों की संख्या कितनी है सोलह. तो क्या हो जाएगा किसी भी ग्राफ में उपस्थित